बड़े भाई के एहसानों का सिला कुछ इस तरह दिया, अपने ही पार्टी को तोड़कर कुशासन बाबू के षड्यंत्र में शामिल हुआ। जी हाँ, ये कहना है राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का। नमस्कार, न्यूज वन नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ रश्मि। जिस तरह से जदयू ने ऑपरेशन लोजपा किया है, उस पर अब लालू की बेटी नाराज दिख रही हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने सोशल मीडिया पर जेडीयू और पशुपति पारस को खूब खड़ी खोटी सुनाई है। उन्होंने पशुपति पारस से साफ तौर से कहा कि उनके बड़े भाई रामविलास पासवान हमेशा उनके साथ रहते थे, उनके रक्षक बनकर रहते थे, लेकिन अब उनका सिला उनके भाई ने इस तरह से दिया है कि आज उनके बेटे को ही दरकिनार कर दिया, आज उनके बेटे चिराग पासवान को ही अकेला कर दिया। और इसी को लेकर रोहिणी आचार्य का गुस्सा देखने को मिला है। रोहिणी आचार्य ने ट्विटर पर एक नहीं बल्कि दो दो ट्वीट करते हुए पशुपति पारस पर हमले किए हैं, जदयू पर हमले किए हैं, और उन्होंने कहा है कि इस कुशासन बाबू ने पशुपति पारस को भी अपने षड्यंत्र में कैद कर लिया। क्या कुछ लिखा है रोहिणी आचार्य ने पहले से किए। रोहिणी आचार्य ने अपने पहले ट्वीट में लिखा है, बड़े भाई के एहसानों का सिला कुछ इस तरह दिया, अपनी ही पार्टी को तोड़कर कुशासन बाबू के षड्यंत्र में शामिल हुआ। दूसरे ट्वीट में रोहिणी आचार्य लिखती है, बड़े भाई ने उसे राजनीतिक मुकाम दिया, उस भाई के पार्टी को सत्ता लोभ में तोड़ने का कुचक्र रचा। इसके साथ ही जदयू पर हमला करते हुए रोहिणी आचार्य लिखती हैं, सत्ता सुख की तैयारी में जी जान से जुटे रहते हो, महामारी की विपदा में महलों में ही सोए रहते हो, दवा और इलाज के अभाव में जनता तड़प तड़प कर मर रही थी, कुशासन बाबू महलों में विरोधी पार्टी को तोड़ने का षड्यंत्र रच रहे थे। तो जिस तरह से जदयू की तरफ से ऑपरेशन लोजपा चलाया गया, उसे देखकर अब रोहिणी आचार्य गुस्से में नजर आ रही है। उन्होंने जदयू पर यह आरोप लगाया कि इस वक्त जनता कोरोना काल में मर रही है, दवा उपलब्ध नहीं है, ऐसे में आप अपने विरोधी पार्टी को तोड़ने का षड्यंत्र रच रहे हैं। इतना ही नहीं, जिस तरह से पशुपति पारस ने लोजपा का दामन छोड़ा है, जिस तरह से उन्होंने अपने भाई के खिलाफ बगावत की है, इसको लेकर भी रोहिणी आचार्य का गुस्सा देखने को मिला। उन्होंने पशुपति पारस पर इल्जाम लगाया है कि आपको राजनीतिक करियर बनाने में आपके भाई रामविलास पासवान ने आपका साथ दिया, आपको इस मुकाम पर लेकर आए, और आज आपने क्या किया, एक राजनीतिक सुख के लिए, सत्ता भोग के सुख में आकर आपने अपने ही भाई के खिलाफ बगावत कर दी। इतना ही नहीं, आपने चिराग पासवान को इस वक्त अकेला छोड़ दिया है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। जिस तरह से जदयू के तरफ से ऑपरेशन लोजपा चलाया गया है, उसे लेकर अब आरजेडी के तरफ से हमले शुरू हो गए हैं। आरजेडी ने यहां तक कि चिराग पासवान को न्योता भी दे दिया है। उनके तरफ से कहा गया है कि अगर चिराग पासवान हमारे साथ आना चाहते हैं तो हम खुले दिल से चिराग पासवान का स्वागत करते हैं। ऐसे में अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि बिहार की राजनीति आगे क्या मोड़ लेती है, क्योंकि जिस तरह से इस वक्त बिहार की राजनीति की जा रही है, जदयू की तरफ से ऑपरेशन लोजपा और ऑपरेशन कांग्रेस की भी बात सामने आ रही है, ऐसे में अब देखना होगा कि आगे जाकर बिहार की राजनीति क्या करवट लेती है। लेकिन इस वक्त जिस तरह से ऑपरेशन लोजपा हुआ है, जिस तरह से पशुपति पारस चिराग पासवान के खिलाफ में है, उसे देखते हुए अब रोहिणी आचार्य का गुस्सा सामने आया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए ना सिर्फ पशुपति पारस बल्कि जदयू पर भी हमला किया है। उन्होंने कहा है कि इस कोरोना काल में जब आपको देश की सेवा करनी चाहिए थी, जनता की मदद करनी चाहिए थी, ऐसे में आप षड्यंत्र रच रहे हैं और अपने विपक्षी पार्टी को तोड़ने में लगे हुए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वन नेशन के साथ। नमस्कार।